गाइस मैंने नहा लिए एंड मैंने कुछ इस तरीके से दुपट्टा भी ले लिया एंड कुर्ती एंड लेगिंग्स पहने हैं और मेरी बेटी अभी यहाँ खेल रही क्योंकि मैं रेडी हो रही थी तो उसको आर्मी का वगैरह का सामान मैंने उसको दे दी थी ताकि तुम ले लो खेलो एंड तभी वो मुझे दी थोड़ा सा रेडी होने के लिए बना नहीं देती तो बस मैंने रेडी हो चुकी हूँ और मैंने नहा धुला लिए और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी थोड़ी देर में मम्मी लोग भी आ जाएंगे मेरे घर से इस बहुत कोई आएंगे और कौन कौन आएंगे मैं आप लोगों से मिलाऊंगी कौन कौन आ रहे हैं वहाँ से तो वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे जब वो लोग आ जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। और हाँ मेरे बेटी को देखिए अभी कैसे करके खेल रही है वो और भैया तो सुबह में ही आए थे जो कि नाश्ता वगैरह कर लिए तो ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं सबको मिल के तो ऊपर चलिए मैं ऊपर भी आप लोगों को दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसा कर रहा है नहीं कर रहा और बस तो हम पहले मेरे बेटी को देख लीजिए कैसे क्या कर रही है वो। बेटू बेटू हाथ देखो तो हाथ देखो तो ये खानी ना यहाँ देखो यहाँ देखो हाँ কি করলা তুমি এটা লিপস্টিক নিয়ে এই যে লিপস্টিক কি করলে এটা নিয়ে তুমি और सारा सामान देखिए इस तरह से निकाल के इधर इधर सारा बिखेर दिया है वो और वो लिपस्टिक लेके भी खेल रही है और अभी मैंने इसको नहला दिया नहला के धूप में बैठाए हैं और मैं जाती हूँ क्रीम वगैरह लेकर आती हूँ इसको और लगाने के लिए ड्रेस वगैरह अभी नहला के सिर्फ धूप में रखे हैं। और हाँ अभी मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी लोग का आने का टाइम हो चुका है घर से मेरा सबको आएगा अभी तो मैं बेड को क्लीन नहीं कर पाऊँगी इस वजह से मैं अभी बेड को क्लीन कर लेती हूँ एंड बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ वरना बाद में नहीं हो पाएगा इस वजह से और बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है क्योंकि काम वगैरह करते करते और मम्मी लोग का आने का टाइम हो चुका है तो बस उसको बेड चेंज कर लेंगे और उसको खिलाना भी बाबू को इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और हाँ मैंने बेडशीट जो नीचे का था ना वो चेंज नहीं किया उसको ऊपर से ही ये वाला बेडशीट मतलब लगा दिए हैं उसको ऊपर से ही बिछाया है मैंने और चेंज नहीं किया उसको। और मैं ब्लैंकेट सबको फोल्ड करके रख दे रही हूँ और ब्लैंकेट जो है ना इसको साइड करके मैं रख दूँगी तो बस अभी मैं यहाँ पे साइड करके रख रही हूँ उसके बाद मैं बेड को क्लीन कर लेंगे उसके बाद उसको साइड करके रखेंगे। और हाँ साइड पिलो कवर जो है मैंने इस तरीके से नॉट लगा दिए क्योंकि अभी अभी मैंने इसको कवर लगाए थे तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इसको इस तरीके से नॉट लगाए उसके अंदर मैंने धागा नहीं फिरोए टाइम नहीं मिल रहा था इसी वजह से मैंने सोचा शॉर्टकट मैं इस तरीके से रख लेती हूँ बाद में मैं धागा लगा देंगे और बस साइड पिलो को रख दिया मैंने उस तरीके से एंड मैं पिलो जो है इस तरीके से रख रही हूँ। और हाँ साइड पिलो का कवर जो मैच नहीं था इस वजह से मैं उससे वही पिलो का कवर जो था वही लगा दिए है। और हाँ उसका पिलो कवर है बनाना पड़ेगा कपड़ा है तो मैं उसको बना लूँगी कुछ दिन में ही मुझे टाइम नहीं मिला था इतने दिनों से इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। और हाँ इस तरीके से मैं जो है ब्लैंकेट को इस तरीके से बेडशीट के हेल्प से कवर कर ले रही हूँ इसको इस तरीके से और इसको ना मैं नीचे रख दूँगी बेड के नीचे और मैंने बेड पूरा क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है तो मैंने सोचा इस तरीके से आप लोगों को पूरा ओवरऑल लुक दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसा है नहीं लग रहा है तो बस इस तरीके से मैं कुछ उसको क्लीन किए है एंड इस तरीके से डेकोर करके रख दिया ताकि सबको आए तो अच्छा लगे। और उसके बाद आ चुकी हूँ मैं छत पे जो कि बर्थडे का डेकोरेशन चल रहा है भैया और मेरे देवर और मेरे हस्बैंड मिलके जो कि डेकोरेशन कर रहे हैं अभी और भैया सुबह सुबह आए थे मॉर्निंग लगना चाहिए लेकिन मामा क्या कर दिया तो बस अभी डेकोरेशन कर रहे हैं वो लोग सबको मिलके तीनों मिलके ही कर रहे हैं यूट्यूब जब तक रहेगा देख लेगा करेंगे। और हाँ जब मेरी बेटी बड़ी होगी तब वो सब वीडियो वो देख पाएगी जब यूट्यूब पे डाल देंगे ना तो वो देख पाएगी उसके पास हमेशा के लिए जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक उसे पता चलेगा उसमें है वो कभी भी खोल कर देखेगी एंड उसको देख कर अच्छा लगेगा एंड कैसे वो सब कुछ डेकोरेशन किया एंड क्या कैसे क्या किया वो सब कुछ उसको देखने को मिलेगा तो बस इसी वजह से हम लोग ज़्यादा वीडियो बनाते हैं उसका एंड अपलोड करते ताकि वो बड़ी होगी जब और वो देख पाएगी अच्छा लगेगा और पूरा डेकोरेशन हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को वो शाम में दिखाऊंगी जब पूरा एकदम से डेकोरेशन हो जाएगा वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। और हाँ अभी मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि दिखाती हूँ छत पे खाना वगैरह बन रहा है तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों की समझ में आए कहाँ क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पापा हैं जो कि सब संभाल रहे हैं और यहाँ पास बस खाना वगैरह बन रहा है जो कि सब्जी वगैरह कट हो रहा है लगा दो
बस आलू प्याज ये सब कट करके रख रहे, देख सकते हैं। एंड इधर जो है ये वाला छत पे, यहाँ पे बनेंगे खाना, जो कि यहाँ पे खाना बनाने का रेडी चल रहा है, जो कि गैस वगैरह सेट कर रहा है। एंड इधर से पापा को देख रहे थे, तो बस अब चलते हैं नीचे। एंड देखिए लोग भी खाना बना ही रहे हैं, क्योंकि तो जल्दी तो बनेगा नहीं, टाइम लगेगा। बस अब चलते हैं नीचे। और इधर रखा हुआ पूजा रूम की तरफ, जो कि खाना वगैरह बनाने के बर्तन वगैरह, तो बस अब चलते हैं नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने देखा मेरी बेटी कुछ खेल रही है बलून लेके, तो मैंने वो भी वीडियो शूट कर लिए हैं और काफ़ी हैप्पी होकर खेल रही है। तो देखिए आप लोग, खेलो खेलो और मेरे घर से सब कोई आ चुके हैं, तो चल चलते नीचे। और नीचे आने के बाद देखिए सभी किस तरह एंट्री कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग कौन कौन है। जा रूम में लेके जाओ, चलो राहुल जी में जाओ। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे को, हैप्पी बर्थडे, आइए पापा आइए, हैप्पी बर्थडे चिक चिक, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अंदर खोलिए चप्पल, आइए साइड होगा तब ना गुस्से में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आइए भाभी अंदर आइए, बस इधर में बैठा दो पापा। हाँ घर बोलो बैठा था। सब मम्मी को उधर लेके चलिए, मैं सुना कि ब्याह का काम चलिए जगह बना देंगे सब ऊपर सब अलग अलग।
সব অলগ অলগ মানে একসাথেই তো পাওয়া যায় গুলো হ্যাঁ ছিল না সে সেট ছিল না হয়তো পাইনি ভালো আগে পিঙ্ক রত তো তখন না দেখাবি আরে দেখো ইয়ার দেন সোনা দেন और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैं वीडियो के यही एंड कर रही हूँ। और हाँ, बर्थडे का जो भी कुछ ब्लॉगिंग करेंगी वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा।